नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग से, जहां पर दोस्तों गुजरात बेस्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गोल्डी सोलर के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को अब स्केल अप करेंगे और 5000 करोड़ रुपीज़ की ओवर इन्वेस्टमेंट उनके द्वारा की जाएगी। तो इस कंपनी की करंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2.5 गीगावाट के आसपास है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के चलते इनकी कैपेसिटी 6 गीगावाट के आसपास पहुंच जाएगी। इस एक्सपांशन के अलावा इनके द्वारा एक सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप किया जाना है, जो कि इनिशियली कुछ मेगावाट से स्टार्ट होगा और उसकी कैपेसिटी को भी 4-5 सालों के अंदर अंदर 5 गीगावाट तक ले जाया जाएगा। अगले फाइनेंशियल ईयर से इनकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी, जिसके लिए आप देखेंगे कि हमारे देश में सोलर पैनल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो बूस्ट होगी होगी, साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ जॉब भी जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों फ्रांस ने भारत के 5th जनरेशन Mk2 एयरक्राफ्ट के लिए भारत को एक काफ़ी बड़ी डील ऑफर की है, जिसके अकॉर्डिंग फ्रांस भारत के 5th जनरेशन Mk2 एयरक्राफ्ट के लिए जितने भी इंजन्स होंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले आपने देखा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में एक एमयू साइन किया था, जिसके अंतर्गत इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जानी है, जो कि आप कह सकते हैं हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि अभी तक यूएस ने इतनी बड़ी स्केल पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसी भी कंट्री के साथ में किया ही नहीं है। और उसी को देखते हुए फ्रांस के द्वारा ये डील ऑफर की गई है, क्योंकि फ्रांस भी ये नहीं चाहता है कि अमेरिका भारत के डिफेंस मार्केट को कैप्चर करे, जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट है। बेसिकली दोस्तों जो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स हैं उनका इस्तेमाल तेजस Mk2 और 5th जनरेशन Mk1 इन दोनों एयरक्राफ्ट में किया जाएगा। और अभी जनरल इलेक्ट्रिक 5th जनरेशन Mk2 एयरक्राफ्ट के लिए इंजन्स को लेकर अभी भारत के साथ में कोलैबोरेट करना भी चाहता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस नहीं चाहता है कि वो उस डील को उनके हाथ से जाने दे, तो इसी के चलते उन्होंने प्रपोजल सामने रखा है, जिसके अकॉर्डिंग फ्रांस बेस्ड कंपनी सैफरन भारत के इस प्रोग्राम के लिए इंडिया के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो इंजन्स हैं उनको डेवलप करेगी और उसकी जो टेक्नोलॉजी होगी वो पूरी तरह से भारत को ट्रांसफर की जाएगी। तो देखते हैं कि इसको लेकर फर्दर क्या डेवलपमेंट होती है देखने को मिलती है, क्योंकि सैफरन के अलावा जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉयस ये भी इस रेस में हैं। अगले दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवे से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों हमारी रेलवे का लार्जेस्ट सोलर प्लांट बनकर तैयार हो गया है और बहुत ही हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जाना है। दोस्तों हमारे रेलवे के नेट जीरो कार्बन मिशन वाले टारगेट को लेकर रेलवे का यह कहना है कि 2030 तक वो 30 गीगावाट की सोलर पावर को जनरेट करेंगे। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक नेशनल हाईवे पर ये सोलर प्लांट भी बनाकर कंप्लीट किया गया है, जो कि अराउंड 200 एकर्स के एरिया में फैला है। 154,500 फोटोवोल्टिक पैनल्स का इस्तेमाल इस प्लांट में किया गया है और ओवरऑल ये 50 मेगावाट का प्लांट है। मई और जून दोनों महीनों में एक एक इसके ट्रायल भी कंप्लीट कर लिए गए हैं, जिसके लिए कहा गया है कि अभी ये ऑपरेशंस के लिए तैयार है। अभी दोस्तों हमारी रेलवे के द्वारा ये डिसाइड नहीं किया गया है कि इसको ट्रैक्शन पावर के लिए यूज़ किया जाएगा या फिर कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। जब इसका इनॉग्रेशन होगा तब ये बात भी सामने आ जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है वंदे भारत 2.0 से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली के द्वारा भी वंदे भारत को रोल आउट करने का प्रोसेस बहुत जल्द स्टार्ट किया जाना है और कहा से जा रहा है कि अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर इस फैक्ट्री से भी पहली वंदे भारत ट्रेन रोल आउट कर दी जाएगी। दोस्तों अभी हमारे देश में जितनी भी वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं वो सभी की सभी ICF चेन्नई में बनाई गई हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्शन को फास्ट सर्विस पर डालते हुए हमारी रेलवेज के द्वारा डिसाइड किया गया था कि हमारी रेलवेज की जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं, इनफैक्ट कुछ न्यू फैक्ट्रीज में भी वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और अब कहा जा रहा है कि जर्मन कंपनी साइमंस के साथ में मिलकर MCF रायबरेली में कुछ न्यू एडवांस फैसिलिटीज सेटअप कर दी गई हैं, ताकि वंदे भारत ट्रेन 2.0 को डेवलप किया जा सके। और अभी जो वंदे भारत 2.0 इनके द्वारा लॉन्च की जानी है उसके 75% इंटीरियर्स, हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी इस सब का काम हो चुका है, डिजाइनिंग के ऊपर भी काम चल रहा है। अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग जाता है तो 3-4 महीने के अंदर अंदर पहली वंदे भारत ट्रेन MCF से रोल आउट कर दी जाएगी, जिसका वेट भी कम होगा, ऑपरेटिंग स्पीड ज़्यादा होगी, कवर सिस्टम इसमें पहले इंस्टॉल होगा, बैटरी ट्रेन कंट्रोल सिस्टम होगा, Level 2 की सेफ्टी इंटीग्रेशन, CCTV कैमरास, एमरजेंसी विंडो, एमरजेंसी लाइट, ये सभी चीज़ें एग्जिस्टिंग वंदे भारत ट्रेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है चंडीगढ़ मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों फाइनली हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा चंडीगढ़ मेट्रो को अप्रूवल दे दी गई है। अब इसके लिए आप कह सकते हैं कि इसका काम स्टार्ट हो सकता है। सो बेसिकली दोस्तों ये एक ट्राई सिटी मेट्रो होगी, क्योंकि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला इन 3 सिटीज़ को डायरेक्टली इस मेट्रो के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। आज से 1 महीने पहले इसका कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान हमारी हाउसिंग मिनिस्ट्री के पास में भेजा गया था, जिसे अब अप्रूवल दे दी गई है। राइट्स लिमिटेड को इसकी DPR बनने के लिए भी कह दिया गया है और अभी कुछ महीने में इसकी DPR बनेगी, जिसको अगेन फिर हमारी हाउसिंग मिनिस्ट्री के पास में अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा,
ताकि इस पीरियड के लिए फंड्स भी दिए जा सके। इनिशियल प्लान के अकॉर्डिंग 39 किलोमीटर का एक कॉरिडोर होगा जिसके ऊपर 10,570 करोड़ भी स्पेंड किए जाएंगे। फेज वन में 3 कॉरिडोर्स बनेंगे और 2027 से 2037 के बीच में ये बनेगा, जबकि फेज टू में 4 कॉरिडोर्स बनेंगे और 2037 के बाद में इनको बनाया जाएगा। और क्योंकि दोस्तों ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है, तो मेट्रो के अलावा 7 बस कॉरिडोर्स भी अप्रूव किए गए हैं जिनके ऊपर मेट्रो के साथ ही काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अबूधाबी बेस्ड लुलू ग्रुप से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों भारत में एक्सपांशन के लिए इनके द्वारा अगले 3 सालों के अंदर अंदर 10,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जानी है और इसके थ्रू ये हमारे देश में हाइपर मार्केट्स, डेस्टिनेशन शॉपिंग मॉल्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ऐसी चीज़ें सेटअप करेंगे। तो सो ऑलरेडी ये कंपनी हमारे देश में बड़े स्केल पर इन्वेस्ट कर रही है, सदर्न पार्ट में इनकी काफ़ी अच्छी खासी प्रेजेंस है और अब धीरे धीरे हमारे देश के नॉर्दर्न पार्ट में भी एक्सपांड कर रहे हैं। और अभी जो अनाउंसमेंट की गई है इसके अंतर्गत सबसे पहले इन्होंने तेलंगाना स्टेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। इनफैक्ट तेलंगाना में हैदराबाद के लिए एक डेस्टिनेशन मॉल भी अनाउंस किया गया है जिसके ऊपर 2,500 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होगी। 3 महीने के अंदर अंदर इसको लेकर लोकेशन फाइनलाइज कर दी जाएगी और 1.5-2 साल में बनकर भी तैयार हो जाएगा। इनफैक्ट दोस्तों तेलंगाना में इनके द्वारा एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी सेटअप की जानी है जिसके ऊपर बहुत जल्द काम स्टार्ट होते हुआ देखने को मिलेगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है कुछ और न्यू वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाइनली 5 वंदे भारत ट्रेन को एक बार में ही फ्लैग ऑफ किया गया है और ये हमारे देश की अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट करेंगी। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से इंदौर, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से जबलपुर, ये 2 ट्रेन तो मध्य प्रदेश में ऑपरेट होंगी। रांची से पटना के बीच में भी एक वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की गई है जो कि झारखंड और बिहार दोनों की पहली वंदे भारत ट्रेन होगी, क्योंकि अभी यहां पर कोई वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट नहीं हो रही है। कर्नाटका के धारवाड़ से बेंगलोर के बीच में भी एक वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की गई है और ये कर्नाटका की 3rd वंदे भारत ट्रेन है। लास्ट में मुंबई और गोवा के मडगांव के बीच में भी एक वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया है और ये भी गोवा की पहली वंदे भारत ट्रेन है। इसी तरह सभी की सभी ट्रेनें 8 कोचेज वाली ट्रेनें हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनको 16 कोच में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये एक सेमी हाई स्पीड रेल है तो जितने भी रूट्स पर अब ये ऑपरेट होगी उस रूट पर ऑपरेट होने वाली सबसे फास्टेस्ट ट्रेन होगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है वाराणसी से, जहां पर दोस्तों वाराणसी बहुत ही जल्द यूपी का एक बड़ा एक्सपोर्ट हब बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वाराणसी के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए जा रहे हैं और 2-3 सालों के अंदर अंदर देखा गया है कि इनमें 400% से ज़्यादा ग्रोथ दिखा है। दोस्तों एक्चुअली 2 सालों के अंदर अंदर एग्जैक्ट 420% का ग्रोथ देखने को मिला है और ये ग्रोथ आप कह सकते हैं वाराणसी के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फाइनेंशियल 2020-21 में वाराणसी के एग्री एक्सपोर्ट्स जस्ट 4 मेट्रिक टन्स के थे और अभी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ये 561 मेट्रिक टन्स पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी जिसको APDA भी कहा जाता है, इनका इसमें काफ़ी बड़ा रोल है क्योंकि एक्सपोर्ट्स इन्हीं के द्वारा फैसिलिटेट किए जाते हैं। और अभी दोस्तों वाराणसी में एक इंटीग्रेटेड पैक हाउस भी सेटअप किया जा रहा है जिसे एक बार जब ओपन कर दिया जाएगा तो ये एक्सपोर्ट के नंबर आपको 2-3 गुना और इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है अयोध्या एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों अयोध्या एयरपोर्ट का फेज वन इसी साल अगस्त तक बनाकर कंप्लीट कर दिया जाएगा और आपको यहां से ऑपरेशंस भी स्टार्ट होते देखने को मिलेंगे। दोस्तों अयोध्या एयरपोर्ट वैसे तो एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होगा, फेज वन में सिर्फ इसको डोमेस्टिक ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। 330 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट फेज वन में होगी जिसके अंतर्गत एक इंटीरियर टर्मिनल बिल्डिंग, कुछ चेक इन काउंटर्स, कुछ कन्वेयर बेल्ट्स, रनवे का एक्सपांशन और कुछ एयरसाइड फैसिलिटीज़ बनकर तैयार हो रही हैं। अभी इसका काम अच्छे खासे स्केल पर पहुंच चुका है। फेज़ वन जब इसका बनकर तैयार हो जाएगा तो पर आर 300 से ज़्यादा पैसेंजर्स को काफ़ी इजीली हैंडल कर पाएगा और एयरबस 320 टाइप के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी काफ़ी इजीली हैंडल कर पाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अगस्त तक इसको ऑपरेशन करने का टारगेट सेट किया गया है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।